आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं दोस्तों कि स्टेयरकेस की वायरिंग दोस्तों किस तरह से की जाती है, यानी कि सीढ़ी की वायरिंग दोस्तों किस तरह से की जाती है। और दोस्तों यहाँ पे जो स्विच है दोस्तों, यहाँ पे हमने जो है दो टू वे स्विच लिया है और इसी के साथ हम कनेक्शन करना आपको बताएंगे। यानी कि दोस्तों एक बल्ब को हम दो जगह से बंद और चालू कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं दो जगह से। तो यहाँ पे दोस्तों इसका सिचुएशन क्या होगा, सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे दो स्विच है दोस्तों, एक स्विच तो हमारा जो है सीढ़ी के नीचे, जहाँ पे हम जो है सीढ़ी से इंटर करेंगे ऊपर जाएंगे वहाँ पे एक स्विच आपको मिलेगी, दूसरा स्विच आपको जो है सीढ़ी के ऊपर जहाँ पे आप पहुंच जाएंगे वहाँ पे एक जो यहाँ पे स्विच मिलेगी। जब हम दोस्तों सीढ़ी से इंटर करेंगे यानी कि सीढ़ी से ऊपर हम चढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें जो रोशनी नहीं मिलेगी, तो वहाँ ऊपर हमारा जो बल्ब लगा होगा तो यहाँ पे हमारा ये स्विच ऑफ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्विच को ऑन करके और इस बल्ब को जो यहाँ पे हम जला सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जब हम ऊपर पहुंच जाएंगे तो इस बल्ब की अगर जरूरत नहीं होगी तो यहाँ पे हम स्विच को ऑफ कर सकते हैं और यहाँ पे हमारा जो लाइट जो है ये बंद हो जाएगी, यानी कि हमारे जो बिजली बिल की जो है खपत भी कम होगी और फिर से दूसरा बंदा को जरूरत होता है यानी छत पे जाने का, तो यहाँ से दोस्तों वो फिर से जो है इसे ऑफ कर देंगे और ये आसानी से दोस्तों ये बल्ब जो है ये ग्लो कर जाएगा। जब फिर से दोस्तों वो छत पे पहुंच जाएंगे सीढ़ी के ऊपर, तो वहां से अगर दोस्तों इसे बंद करना चाहते हैं दोस्तों तो यहाँ से इसे ऑफ कर इस तरह से ऑन करेंगे तो ये बल्ब हमारे दोस्तों ये बंद हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सीखने वाले दोस्तों कि स्टेयरकेस की वायरिंग किस तरह से की जाती है, दोस्तों इसका कनेक्शन कई तरह के होते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में जिस कनेक्शन की बात करने वाले हैं आपको जो है देखने को मिलेगी आगे वीडियो में। तो फ्रेंड्स आपसे यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, बिना स्किप किए हुए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो आप लोग को कभी भी काम आ सकता है और दोस्तों ये वीडियो इंटरेस्टिंग तो होने ही वाली है, साथ ही नॉलेजेबल भी होने वाली है। तो बिना स्किप किए हुए दोस्तों वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। और फ्रेंड्स वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू लेटेस्ट आने वाली वीडियो जो है आप लोग को जल्द देखने मिले। चलिए दोस्तों टाइम ना गवाएं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने दोस्तों यहाँ पे दो स्विच लिया है जो कि टू वे स्विच हमने जो है यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं इस वायरिंग के लिए। यहाँ पे टू वे स्विच का पहचान आप जो आसानी से कर सकते हैं। तो वन वे स्विच में आपको जो है दो ही टर्मिनल मिलेंगे, यानी कि एक ऊपर एक नीचे और तीसरा टर्मिनल आपको जो है नहीं मिलेगा वन वे स्विच में। टू वे स्विच में दोस्तों आपको जो तीन टर्मिनल मिलेगी, यानी कि बीच हमारा जो है ये कॉमन होगा ऊपर और दोस्तों नीचे जो है ये आउट करेगा। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे इस स्विच में भी इसी तरह से इस्तेमाल होगी। हाँ यहाँ पे आपको जब कनेक्शन करना है तो करना किस तरह से, आइए मैं आपको सबसे पहले वो बताता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो है दो वायर लेनी है, यानी कि इस तरह से आपको जो है दो टुकड़ा कर लें। यहाँ पे आपको जो है जिस तरह से वहाँ पे सीढ़ी पे कनेक्शन करेंगे तो हो सकता है आपको जो है वायर जो है ज्यादा लग सके, तो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आप जो है आपको कनेक्शन जो है उसी तरह से आपको करनी है। यहाँ पे सबसे पहले एक वायर यहाँ पे हमने जो है येलो लिया है और यहाँ पे हमें करना क्या है फ्रेंड्स, सबसे पहले दोस्तों एक टू वे स्विच का हमें जो है स्क्रू को यहाँ पे ढीला कर लेना है। आइए यहाँ पे ढीला कर लेते हैं। हाँ यहाँ पे अगर आपको पता है फ्रेंड्स तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो ये वीडियो जो है देख के आप आसानी से समझ सकते हैं। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जो है एक यहाँ पे हमने वायर को कनेक्ट किया है नीचे वाले टर्मिनल पे। अब दोस्तों इस वायर को हमें जो है इसके ऊपर वाले टर्मिनल पे यहाँ पे हमें जो है इस वायर को कनेक्ट करना है, यानी कि ये नीचे तो सीधे में नहीं करना है, इसके जस्ट सामने नहीं करना है, इसके ऊपर करना है। हाँ कर सकते हैं, इसका भी कनेक्शन मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे हमें जो है इस वायर को जो है यहाँ पे इसके ऊपर वाले टर्मिनल पे यहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे। यहाँ कनेक्शन दोस्तों कई तरह के हैं, इसका सिचुएशन कई तरह से है वायरिंग की। तो यहाँ पे आज की वीडियो में यहाँ पे हम इस तरह से वायरिंग करना सीखेंगे। यहाँ पे दोस्तों इस वायर को हम कनेक्ट करते हैं इस टर्मिनल पे। आइए यहाँ पे हम टाइट करते हैं। चलिए यहाँ पे हमने जो है एक यहाँ पे हमने जो है वायर को कनेक्ट कर लिया है। ये दोस्तों यहाँ से यानी इसकी इस टू वे स्विच के नीचे पॉइंट से एक वायर को कनेक्ट करके दोस्तों इस टू वे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर हमें इस वायर को कनेक्ट कर लेनी है। हाँ यहाँ पे अब फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरा वायर हमें जो है फिर से लेनी है और दोस्तों इसको हमें जो है इस टू वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे जो है इस वायर को कनेक्ट करके यहाँ से लेके दोस्तों हमें जो है इस टू वे स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे हमें जो है इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। चलिए यहाँ पे हम दोस्तों इसका स्क्रू को हम ढीला कर लेते हैं, इस वायर को यहाँ पे हम इस टर्मिनल पे यहाँ पे हम टाइट कर लेते हैं। हाँ यहाँ पे हमने जो है एक वायर को जो है यहाँ पे लगा लिया है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारा जो है दूसरा छोर बच जाता है इसका, इसको हमें जो है इस टू वे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे हम इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। चलिए यहाँ पे हम दोस्तों इस वायर को यहाँ पे हम कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों इस टर्मिनल को जो अच्छी तरह टाइट कर लेनी है, यानी कि ध्यान रखें जब आप टर्मिनल को टाइट करें तो आप जो है ध्यान पूर्वक से अच्छी तरह से यहाँ पे जो है टर्मिनल को टाइट करें। यहाँ पे इस तरह से कनेक्शन होने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हमें जो है एक बल्ब होल्डर लेनी है, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो है एक बल्ब होल्डर ले लिया है। आप वहाँ पे जो है बटन होल्डर भी आपको जो है लगा हो सकता है। आपको मैं यहाँ पे ट्रायल के लिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको इस होल्डर को यहाँ पे मैं कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं इस होल्डर से यहाँ पे हमने जो है एक एक वायर को यहाँ पे हमने जो कनेक्ट किया है एक एक टर्मिनल से, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे दो यहाँ पे जो है वायर है, एक तो हमारा ये फेस का है, दूसरा हमारा जो न्यूट्रल का है। तो हमें सबसे पहले करना क्या है फ्रेंड्स,
इसे हमें जो है एक टू वे स्विच के सेंटर वाले वायर पे यानी कि इसके बीच वाली जो कॉमन वाला होता है दोस्तों यहाँ पे इस बीच वाले पे यहाँ पे मुझे इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। हाँ यहीं पे चलिए यहाँ पे इसे हम टाइट कर लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो दूसरा वायर बच जाता है दोस्तों इसे हमें जो है इस टू वे स्विच के बीच वाले यानी कि सेंटर वाले वायर पे यहाँ पे इसके बीच में यहाँ पे इस टर्मिनल पे मुझे इस वायर को कनेक्ट करनी है इस तरह से। अभी फ्रेंड्स यहाँ से इस तरह से हमारा तो कनेक्शन पूरी तरह से हो जाएगी। बात आती है फ्रेंड्स यहाँ पे हमें सप्लाई जो इन करानी है उसे हम किस तरह से इन कराएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जो है एक मेन लीड ले लिया है, आप देख सकते हैं इसमें जो है दो कलर के वायर यानी कि पहला जो तो यहाँ पे रेड है और दूसरा ब्लैक भी है। आइए यहाँ पे हम इस वायर को कनेक्ट कैसे करते हैं देखिए। यहाँ पे इस 220 वोल्ट सप्लाई जो आप इन करेंगे दोस्तों चाहे तो दोस्तों इस वायर को एक वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर लें और दूसरा फ्रेंड चाहे तो आप दोस्तों यहाँ पर कनेक्ट कर लें। हाँ यहाँ पे दोस्तों एक यहाँ पे हम वायर को कनेक्ट करते हैं तो दूसरा छोर दोस्तों इसके हमें जस्ट सीधे में नहीं करना है, इस तरह से इसके ऊपर कर लेना यानी कि क्रॉस में इस तरह से, यानी कि चाहे तो आप दोस्तों इसको जो है इस तरह से कनेक्ट कर दीजिए, चाहे तो दोस्तों आप जो है इसको जो है इस तरह से कनेक्शन कर दीजिए, चाहे तो आप जो है इसे कर दीजिए यहाँ पे इस तरह से। ओके तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं एक वायर यहाँ पर हम कनेक्ट कर लेते हैं। ऊपर में हम दोस्तों यहाँ पर फेस को दे देते हैं और यहाँ पे हम स्क्रू को टाइट कर लेते हैं। दूसरा फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इस वायर को हम दोस्तों यहाँ पर हम दे देते हैं। चलिए यहाँ पर हम कर देते हैं इसको न्यूट्रल की। अब फ्रेंड्स देखते हैं ये दोस्तों ये दो जगह से ये ऑन ऑफ होता है कि नहीं। तो आइए फ्रेंड्स यहाँ पे अब मैं आपको जो ट्रायल करके दिखाता हूँ। तो इस तरह से हमारा जो कनेक्शन हो जाती है। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले इस बोर्ड में जो है सप्लाई देते हैं। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको जो सप्लाई देके और यहाँ पे चेक करा के दिखाता हूँ यहाँ पे क्या करना है, मुझे सेफ्टी के साथ यहाँ पे मुझे काम करना है। तो चलिए यहाँ पे हम जो है इसमें सप्लाई दे दिए। यहाँ पे हम जब सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश करेंगे आगे हमें जो है अंधेरा दिखाई देगा तो हमें जो है बल्ब को जलाना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये बल्ब हमारा जो है ये ग्लो कर जाएगा। हाँ यहाँ पे अगर हम दोस्तों जब सीढ़ी पे चढ़ जाएंगे यानी कि जब हम छत पे दोस्तों इंटर कर जाएंगे तो यहाँ पे हमें जो है बल्ब को बंद करना होगा यानी कि बिजली बिल की यहाँ पे सेफ्टी करनी है तो यहाँ पे हमें इस स्विच को ऑफ कर देनी है। यानी कि यहाँ से हम ऑफ करेंगे तो ये बल्ब हमारा दोस्तों ये बंद हो जाएगी यानी कि इससे ये भी हो सकता है कि हमारी जी बिजली बिल की जो है सेफ्टी भी हो सकती है। हाँ यहाँ पे अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर चाहता है कि हम छत पे जाएं डी पे दोस्तों फिर से अंधेरा होगा तो उसको जो है ये यहाँ पे जब इंटर करेगा दोस्तों तो इसे हम ऑफ करेंगे तो ये बल्ब हमारा दोस्तों ये ऑन हो जाएगा और जब वो सीढ़ी पे चढ़ जाएगा तो यहाँ पे इसे ऑफ कर सकता है यहाँ से, यानी कि यहाँ से हम दोस्तों ऑन भी कर सकते हैं और यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ से ऑन कर देंगे तो यहाँ से ऑफ कर सकते हैं इस तरह दोस्तों। ये दो जगह से यानी कि इसे हम बंद चालू या इस बल्ब को हम कर सकते हैं यानी कि इस वायरिंग को हम जो है स्टेयरकेस वायरिंग कहते हैं यानी कि सीढ़ी की वायरिंग दोस्तों। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो जो आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि उन्हें भी पता लग सके दोस्तों कि स्टेयरकेस की वायरिंग किस तरह से होती है। दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि न्यू लेटेस्ट आने वाली वीडियो जो है आप लोग को जल्द देखने को मिले। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।